नमस्कार, तहलका न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुजा और हम आज अपने कार्यक्रम में आपको मिलवाने जा रहे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट से मनी मैनेजमेंट तक के सफ़र को बहुत ही आसान किया है बहुत ही कम उम्र में। तो आइए जानते हैं क्या है इनका ख़ास और अनोखा तरीका। तो शायंतन, आपका बहुत बहुत स्वागत है तहलका न्यूज़ में। हम जानना चाहेंगे एग्जैक्टली आपकी कंपनी का काम क्या है, क्या स्टार्ट है आपका, कैसे करते हैं आपका? बीटस बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिस जो द आइडिया इज़ टू अंडरस्टैंड कि एक अभी का जो कैंडिडेट हायर कर रहे हैं कोई कंपनी, उनका आज का स्किल क्या है वो सिर्फ नहीं जानना है बल्कि आगे जाके वो क्या कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी कोई सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता है। तो इंडिया में ये बहुत जगह में प्रॉब्लम होता है कि अभी जो स्किल सेट जो ढूंढ रहे हैं कंपनी तो उसमें गिन चुन के बहुत कम लोग रहते हैं हमेशा, बाकी बहुत लोग रहते हैं जो रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर उनका ये पोटेंशियल रहता है कि वो आगे जाके बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, वो चीज़ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। वो हम लोग का बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसीलिए यूज़ करते हैं कि वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर का जाके पोटेंशियल क्या बन सकता है उसका। शायंतन, आपका बैकग्राउंड, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ये बिल्कुल अलग है, जैसे बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि ऐसी कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है? मैं जब अपना इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो मैं बेसिकली एक पावर इंजीनियर था एंड उसका कोडिंग या टेक्निकल एबिलिटीज से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था एक्चुअली। थर्ड ईयर में मैं जब पहुंचा तो आई स्टार्टेड टेकिंग दैट इंटरेस्ट इन कोडिंग, लर्न हाउ टू कोड एंड वर्क ऑन दैट। फाइनल ईयर में जाके जब प्लेसमेंट्स की बारी आई तो आई नेवर वॉन्टेड टू गेट इन टू अ कोर पावर सेगमेंट इंडस्ट्री एज सच। ओरेकल आया था तब हम लोग का जादवपुर यूनिवर्सिटी में कैंपसिंग के लिए एंड तभी I had to fight with the placement committee a lot because power engineer को typically एक Oracle का interview में बैठने के लिए permission नहीं रहती है, मतलब उन लोगों को segregated criteria रहता है। Finally मैंने बैठा and I cracked the interview, worked with them for 2 years and जब मैं काम कर रहा था this came to me that this is a problem that's happening across the country कि हम लोग जब hire करते हैं कभी किसी को बहुत सारे biases लेके hire करते हैं कि वो कौन सा college में है, past में क्या किया है, उनका numbers क्या है and numbers तो बहुत ज़्यादा देखते हैं सब कोई जगह पर। तो दोज शुड नॉट बी दी ओनली क्राइटेरिया, बाहर के देशों में दिस एंटायर पॉइंट्स एक्चुअली आर स्टार्टिंग टू चेंज, लोग डिग्रीज देखना बंद कर रहे हैं एंड एक्चुअली उनका क्या स्किल्स है और क्या कर सकते हैं वो उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो इट्स द सेम थिंग। तो इंजीनियर के बाद जो लोग करते हैं, मैंने भी कैट दिया था उस टाइम MBA के लिए, IIM से कॉल आया, बट वही कि एक अंदर से चीज़ आता है कि अभी एक खुद का कुछ करना है एंड मतलब वो चेंज की आवाज़। हाँ, मतलब ये प्रॉब्लम को मेरे को चेंज करना था, रादर देन प्रॉब्ली गोइंग इनटू एन IIM एंड डूइंग एन MBA आई वाज मोर फोकस्ड कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंड दैट्स व्हेन एवरीथिंग स्टार्टेड इटसेल्फ। शायंतन, बिल्कुल अलग है इंजीनियरिंग और उसके बाद ये आपका नया स्टार्टअप, तो बहुत सारे हर्डल्स आए होंगे आपको शुरुआत जब आपने किया होगा तो एकदम से जो सोचते हैं वो करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो किस तरह की मुश्किलें आई आपके सामने? देखिए, मतलब स्टार्टिंग में वही रहता है कि हमेशा सबको ये थोड़ा डाउट रहता है कि ये कैसे काम करता है, एक नया पूरा टेक्नोलॉजी बन रहा है तो वेदर और नॉट इट्स काइंड ऑफ वर्किंग फॉर अस, गोइंग टू वर्क फॉर अस। तो वो इनिशियल वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी स्टार्टअप के लिए, स्पेसिफिकली अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं तो उनके लिए तो वैलिडेशन और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम लोगों का अप्रोच ही कुछ अलग हुआ था इसलिए, मतलब इनिशियली जब हम लोग ये सब फेस कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो हम लोग का पहला था कि बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा डेटा लेंगे, बहुत ज़्यादा डेटा लेके काम करेंगे। तो हम लोग कॉलेजेस के साथ टाई अप करना स्टार्ट किए, कैंडिडेट्स के साथ टाई अप करना स्टार्ट किए, कैंडिडेट्स को आके फ्री एग्जाम्स देते थे कि वो प्लेटफॉर्म में आए, असेसमेंट्स लें, ताकि हम लोग को सिर्फ डेटा मिल सके वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं एक प्रॉब्लम को, तो हम लोग को उससे जानने को मिलेगा। तो हम लोग करीबन एक साल इसी के ऊपर वी स्पेंड द टाइम ऑन जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड द मॉडल्स। उसके बाद जाके वी स्टार्टेड अप्रोचिंग प्रॉब्ली द कंपनीज, लास्ट 8-9 months वी स्टार्टेड अप्रोचिंग एंड टॉकिंग टू देम एंड अभी जाके इट्स बीन समवट ऑफ अ। ओके, तो 2018 में आपकी शुरुआत हुई है और अब दिस इज अराउंड ऑलमोस्ट 2 years, तो 2 years में आपको किस तरह का देखने को मिला कि आपको आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, आपको और कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मार्केट? टू बी ऑनेस्ट, लास्ट 6-7 महीने में हम लोग का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है। लास्ट 6-7 महीने में हम लोग करीब 15 कंपनीज के साथ काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी हम लोग एक रीसेंट प्रोग्राम लॉन्च किया अपसर्ज बोल के, जिसमें हम लोग पूरा देश के वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं उनके साथ टाई अप करते हैं, क्योंकि उनका जब कोई स्टार्टअप में फंडिंग होता है तो स्टार्टअप का ये फर्स्ट चीज़ रहता है कि हायर करो और ज़्यादा ग्रो करो, ये इन्वेस्टर का भी
मानना रहता है, तो उनको हायरिंग जल्दी से क्लोज करना होता है। एंड इस हिसाब से हम लोग रिसेंटली इंडियन एंजल नेटवर्क से टाई अप किए, उनका करीब 170 ऑड कंपनी पोर्टफोलियो कंपनीज रहते हैं, तो उनके साथ जब काम करने को मिलता है। ऐसे बेंगलोर में भी बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ हम लोग का काम चल रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ ग्रोइंग एज अ नंबर। तो फ्रॉम प्रॉब्ली व्हाट वी स्टार्टेड इन 7 months टू नाउ प्रॉब्ली वर्किंग विद अराउंड 100 एंड मोर कंपनीज, इट्स अ ग्रेट ग्रोथ फॉर अस। पूत के पाँव पालने में ही नज़र आते हैं, और इनके इस नायाब तरीके से, ये खास तरीका जिससे ये जान लेते हैं कि आगे चल के एम्प्लॉयज़ कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। कई बार कंपनी एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, लेकिन आगे चल के एम्प्लॉयज़ अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो इससे कंपनी को भी परेशानी होती है और एम्प्लॉयज़ को भी। तो शायंतन के इस खास तरीके से काफ़ी हद तक कंपनी को भी फ़ायदा होगा और एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होगा। शायंतन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार।